अक्षरों का समूह। अक्षरों को बोलते हैं वर्णों, यानी अक्षर यानी वर्ण बात एक ही होती है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अरे इधर फोकस करो यार। हाँ, तो हिंदी में भी कई सारे अक्षर होते हैं, जैसे क म ग प, ऐसे ही इंग्लिश में कुछ अक्षर होते हैं आर सी ए। ये अक्षर कई सारे मिल गए आपस में तो एक ग्रुप बन गया। जब एक ग्रुप बन जाता है आपस में ये अक्षरों का, इनको हम लोग क्रम से लगा देते हैं। अभी तो इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये कोई वर्ड शब्द नहीं हुआ, लेकिन इनको हमने क्रम से लगा दिया, सी को पहले, ए को, फिर आर को। क्रम से लगाने के बाद ये शब्द एक बन गया, अक्षरों का समूह एक शब्द बन गया। क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो जब ये शब्द बन जाता है तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन एक मतलब तो दें। अक्षरों का समूह तो ये भी है, अक्षरों का ग्रुप तो ये भी है, लेटर्स का ग्रुप तो ये भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं दे रहा। लेकिन ये लेटर्स का ग्रुप है जो एक मतलब दे रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? एक शब्द बोल दिया। शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। ओके, तो इतनी चीज समझ में आई होगी। अक्षर को बोलते हैं वर्ण, वर्ण को बोलते हैं लेटर। कई सारे लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनाते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब निकलना चाहिए। समझ गया हम लोग। ऐसे ही जब कई सारे शब्द, जब कई सारे शब्द आपस में, ऐसे ही कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं, जैसे आई मतलब एम, जनरली हम लोग हूँ मानते हैं इसको, हूँ आ एक गुड अच्छा सन बेटा यानी पुत्र, तो मतलब ऐसा मैं वो एक अच्छा पुत्र। इसको अगर हम एक तरीके से लिखते हैं, सब बता देते हैं, ये कई सारे शब्द यानी हमने अभी पढ़ा था कि ये अक्षर है, ये अक्षर, ये अक्षर, जैसे ए और एम अक्षर है, अक्षर अक्षर को मिला के बन जाए शब्द। तो ऐसे ही ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द शब्द बन गए। अब इन शब्दों को हम लोग अगर इस तरीके से लिखेंगे, एम एम आई ए एम आई सन गुड, तो मुझे नहीं लगता इसका आप लोग कोई मतलब निकल रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ए एम आई सन गुड, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। तो इसको हम लोग क्रम से लिखते हैं, आई एम अ गुड सन, क्या लिखेंगे? आई एम अ गुड सन, यानी शब्द 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 शब्द, इसको हम लोगों ने एक क्रम से लगा दिया, तो ये बन गया वाक्य, सेंटेंस। अब ये बन गया सेंटेंस। चलिए सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको लिखते कैसे? अ सेंटेंस, एक वाक्य, अ सेंटेंस इज अ, एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब समझिएगा, एक सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है, एक सेंटेंस एक समूह होता है कई सारे शब्दों का। लेकिन मैंने आपको बताया ए एम आई गुड सन, तो ये भी तो ग्रुप है, लेकिन ये कोई मतलब है नहीं दे रहा। तो जब तक कोई अच्छा सा मतलब नहीं देता है, तब तक हम इसको सेंटेंस नहीं मानते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो यानी विच मेक्स यानी बनाता है मेक्स अ एक एटलीस्ट एक मतलब तो सही बनाना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस तो देना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस देता। एक सेंटेंस होता है एक शब्दों का समूह जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ये होता है सेंटेंस। जैसे ही इज अ वह, सिंपल, वह एक लड़का है, एक लड़का है, इसको हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, कितना ईजी है। एक वाक्य वो होता है